इस मुंबई की पावन धरा का विशाल महायज्ञ भूमि बेली खेल मैदान कांदिवली इष्ट में ठाकुर विलेज संपादित होने जा रहा है। जिस महायज्ञ में भगवती राजराजेश्वरी को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके विलक्षण सौदिव्य मुख बनेंगे। उन सौदिव्य मुखों से भगवती की कृपा प्रसाद हमारे पूरे मुंबई नगर में प्रसारित तो हो, वो आशीर्वाद हम सब लोग ले सकें। इस पावन संकल्प को लेकर काया माया संकट की निवृत्ति के लिए वर्तमान जगत में, वर्तमान समय में आर्थिक स्थिति से प्रत्येक व्यक्ति जूझ रहा है। आर्थिक संकट के निवारण करने के लिए देवताओं की विशेष कृपा, पितरों का विशेष आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो सके, जिससे हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ सके। पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि तभी बढ़ सकती है जब देवताओं की विशेष कृपा और पितरों का विशेष आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर होता है। ये विलक्षण आशीर्वाद यज्ञ नारायण भगवान के माध्यम से ही संभव है। यज्ञ नारायण भगवान का मतलब है समष्टि का कल्याण करना। संपूर्ण विश्व का कल्याण यज्ञ संस्कृति के माध्यम से ही निहित है। जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय हमारे दादा गुरुजी धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जिन्होंने उस समय पर हमको यज्ञ की पावन परंपरा सिखलाई, ये जो हम यज्ञ शब्द उच्चारण कर रहे हैं, ये उन्हीं महापुरुष की देन है। सर्वप्रथम हमने जो धर्म के उद्घोष किए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, संपूर्ण विश्व में आज प्रत्येक व्यक्ति इन धर्म के उद्घोषों का प्रेम पूर्वक उच्चारण कर रहा है। अद्भुत और आत्मीय प्रश्न कि एक मुख के माध्यम से भी संसार का, विश्व का कल्याण हो सकता है, पुनः सौ कुंडों के निर्माण करने की क्या आवश्यकता पड़ी? हम चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सके। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भगवती राजराजेश्वरी को भोजन खिलाना पड़ेगा। वो जो कुंड का निर्माण किया जाता है, उस कुंड का निर्माण शास्त्रीय व्यवस्था से किया जाता है। एक कुंड के अंदर 1 करोड़ आहुति पड़ पाना संभव नहीं हो सकता। तदर्थ एक कुंड के अंदर 1,00,000 आहुति जब पड़ेंगी, तो तब जाकर के 1 करोड़ आहुति संपन्न हो सकेंगी। चूंकि हमारे यहाँ पर मात्रा हुआ करती है, जितना माप यज्ञशाला का हुआ कर होता है, उसी माप के अनुसार कुंड का निर्माण भी हुआ करता है। मनमानी ढंग से हम कुंड का निर्माण नहीं कर सकते, मनमानी ढंग से हम यज्ञशाला का निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए शास्त्र की व्यवस्था है। शास्त्र की व्यवस्था को जीवन में उतारते हुए, आप सब लोगों को शिक्षा प्रदान करते हुए यहाँ पर 100 कुंड का यज्ञ किया जा रहा है। सुखदेव जी 9 वर्षीय बच्चे, वो भी कुछ करने आने वाले हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। महाराजश्री के पावन स्मृति में एक तरफ भगवती राजराजेश्वरी माँ लक्ष्मी को रिझाने के लिए महायज्ञ संपादित किया जा रहा है, और दूसरी ओर आपने सुना होगा कि सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के थे। 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज ने आकर के राजर्षि परीक्षित का कल्याण कर दिया, परंतु हम तो और अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में जो कथा का रसपान कराने के लिए यहाँ पर समुपस्थित हो रहे हैं श्री धाम वृंदावन से, परम पूजनीय स्वनाम धन्य श्री ऋषभ देव जी महाराज, वो उनका जन्म ही श्रीमद् भागवत जी के लिए हुआ।